हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द विजनरी ट्रेडर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी के लिए 10 अगस्त 2023 को कौन कौन से इंपॉर्टेंस लेवल होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस। तो कल का एनालिसिस करने से पहले हम लोग आज देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे वर्क किया है। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि बैंक निफ्टी समय अराउंड ये 100 पॉइंट्स के रेंज में अगर कल ओपन होता है और जिस भी डायरेक्शन में हमको बैंक निफ्टी ट्रेड देता है, जिस भी डायरेक्शन में हमको ये बैंक निफ्टी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है, तो इन हमको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। और हम लोग सेलिंग के लिए तभी प्लान करने वाले थे जो मार्केट 44,800 का ये जो लेवल था ये क्रॉस कर लेता है। सो नो डाउट मार्केट में आज फ्लैट ओपनिंग दिया। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद मार्केट ने पहले 15 मिनट्स के कैंडल में ही ये ब्रेक कर दिया। नो डाउट हमको एक यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा जितने भी लोगों यहाँ पे ट्रेड किए रहेंगे। 5 मिनट्स के कैंडल पे अगर हम लोग 5 मिनट्स के कैंडल पे भी जितने भी लोगों ट्रेड किए रहेंगे, 5 मिनट्स का कैंडल अच्छा खासा बना था। फिर उसके बाद मार्केट में यहाँ पे समय अराउंड वोलेटाइल थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट 44,600 जो हमारा सपोर्ट था, मैंने आपको कल ये चार्ट प्रोवाइड करा दिया था अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी। तो ये देखिए नो डाउट मार्केट यहाँ पे थोड़ा वोलेटाइल हुआ, फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न बना के रिकवर हुआ है। नो डाउट यहाँ पे एक अच्छा खासी एंडिंग के मोमेंटम में बाइंग, एंडिंग के आवर्स में बाइंग हुई है। तो देख लेते हैं कि कल मार्केट कैसे खुलने वाला है या फिर कौन कौन से मार्केट के लेवल्स हो सकते हैं। तो नो डाउट कल एक एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी होने वाला। तो चलिए वन डे पे अगर हम लोग एनालिसिस करें तो एक्सपायरी स्पेशल कल कुछ होने वाला है, क्योंकि कल हमको एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सा मार्केट देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने पिछले दिन का कभी लो ब्रेक नहीं किया, तो आज मार्केट ने ये पिछले कैंडल का अच्छा खासा लो ब्रेक किया। और जो पिछले दिन का जो इनसाइड कैंडल जो हुआ था समराउंड, ये जो इनसाइड कैंडल का यहाँ पे स्टॉप लॉस था, तो ये मार्केट ने हीट करके मार्केट नीचे गया। नो डाउट हमको एक अच्छा खासा सेलिंग के साइड भी अच्छा खासा हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है। जितने भी लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, डू नो लेट मी नो इन द कनेक्ट कमेंट सेक्शन। हम लोग बाइंग तभी प्रेफर करेंगे आज अगर हम लोग अभी देखें मार्केट ने एक अच्छा खासा एक छोटा सा एक हैमर टाइप कैंडल बनाया जो कि विच इज़ अ बुलिश साइन। मार्केट हम बाइंग तभी करेंगे जब मार्केट ये क्रॉस करेगा, क्रॉस इन द सेंस हम लोग बाइंग तभी प्रेफर करेंगे जब मार्केट 45,000 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा, तभी हम लोग मार्केट में बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो लेट्स गो टू द 15 मिनट्स चार्ट्स। तो चलिए 15 मिनट्स के टाइम पर हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी ने आज क्लोज दिया है 44,880। तो वो चलिए, तो अगर हम लोग अभी मैं थोड़ा चार्ट एडजस्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ओके। तो अगर हम लोग अभी एनालिसिस करने का स्टार्ट करते हैं तो समर अराउंड कल अगर कल मार्केट में अच्छा खासा एक्सपायरी होने वाला है, नो डाउट हमको एक वन डायरेक्शनल ट्रेड मिल सकता है। अगर जैसे ओवर डाटा अगर मैंने देखा है कि नो डाउट कॉल के साइड पे सॉरी पुट के साइड पे थोड़ा ज़्यादा ओवर डाटा दिख रहा है, समर अराउंड दिस रेंज में अगर कहीं पर भी मार्केट खुलता है, लेट्स ओके उससे पहले अगर कल मार्केट समर अराउंड दिस लेवल पर खुलता है, समर अराउंड दिस लेवल पर, तो मार्केट के लिए एक अच्छा खासा सिनेरियो हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर कल समर अराउंड दिस लेवल फ्लैट या फिर ये 100 पॉइंट्स की रेंज में अगर मार्केट खुलता है, मार्केट जिस भी साइड पे हमको ब्रेक आउट या फिर ब्रेक डाउन देगा, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा पॉजिटिवली मोमेंटम आ सकता है और वन डायरेक्शनल मोमेंटम जा सकता है। तो अगर कल समय अराउंड मार्केट कर 45,000 के आसपास ओपन होता है और यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर जाता है, नो डाउट ये कल हो सकता है। अगर सस्टेन कर दिया तो नो डाउट एक अच्छा खासा 12:30 के बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है। अगर मार्केट कल मान लीजिए कि समय अराउंड कुछ किसी न्यूज़ की वजह से या फिर कुछ की वजह से 45,000 के ऊपर अगर गैप अप खुल जाता है, 45,000 के या फिर 45,100 to 150 ये रेंज के, ये लेवल के आसपास अगर मार्केट कल गैप अप खुल जाता है, तो नो डाउट यहाँ से एक छोटा सा सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। क्योंकि जितने भी लास्ट मोमेंटम में जितने भी बाइंग जो भी लोग बाइंग किए रहेंगे, तो अच्छा खासा उनको एक प्रॉफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे भी फिर वो लोग करना स्टार्ट कर सकते हैं। नो डाउट यहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर आएगा, सर अराउंड 45,000 के आसपास यहाँ पे मार्केट थोड़ा हॉल्ट कर जाएगा। हॉल्ट करने के बाद अगर कुछ पैटर्न या फिर डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो फिर हम लोग बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे यहाँ पे। नहीं तो फिर अगर ये गैप ब्रेक करता है यहाँ पे कुछ एम पैटर्न बना के ये नीचे आता है, नो डाउट हम लोग अच्छा खासा सेलिंग के लिए हम लोग को एक प्रॉफिट मिल सकता है। तो समय अराउंड
अगर मान लेते हैं कि मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ समवेयर 40 एनीथिंग बिलो 44,800, अगर मार्केट कल इस 44,800 के नीचे अगर कल खुलता है तो नो डाउट हमारे लिए एक छोटा सा सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। यहाँ पे मार्केट नीचे जो आजकल हुआ है 44,600 के आसपास मार्केट ट्रेड कर सकता है, फिर उसके बाद मार्केट एक गैप अप या फिर सॉरी एक पुल बैक दे सकता है, अच्छा खासा पुल बैक दे सकता है। तो अगर मैंने आपको वीकली डेली टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, तो चलिए पहले डेली टाइम फ्रेम पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि मार्केट में ये एक्सपायरी पे ना ही ऑप्शन बायर्स को जितना ज़्यादा प्रॉफिट मिला है, ना ही ऑप्शन सेलर्स को। मार्केट एक अच्छे खासे 300 से 400-500 पॉइंट्स के रेंज में मार्केट है, समझो जिस रेंज में, तो नो डाउट हमारे लिए ये एक्सपायरी स्पेशल हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपायरी पे शायद हो सकता है कि मार्केट को एक वन डायरेक्शनल अच्छा खासा मूव दे दे, जो कि मैं आपको लास्ट 2-3 दिन से बता रहा हूँ। ये 400 से 500 पॉइंट के मूवमेंटम के बाद मार्केट शायद रेंज के बाद शायद हो सकता है कि मार्केट एक ऊपर वाली साइड एक ब्रेकआउट दे, मेरी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर नहीं तो फिर अगर एनीथिंग भी, तो जैसे मैंने आपको बोला 44,800 के नीचे अगर मार्केट खुलता है, अगर कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के नीचे चल जाता है, तो नो डाउट हमको एक अच्छा खासा ट्रेंड मिल सकता है। तो लेट्स गो टू द 15 मिनट चार्ट्स, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर कल मार्केट अगर समय अराउंड 44,600 के नीचे अगर खुलता है, नो डाउट ये खुलेगा ही नहीं, अगर इन दिस केस अगर कुछ न्यूज़ की वजह से खुलता है तो नो डाउट यहाँ पे वोलेटिलिटी मार्केट में क्रिएट हो जाएगी। मार्केट 44,400 का सपोर्ट एक ये टेस्ट करेगा, अगर हो सकता है कि कुछ के बाद मार्केट 44,000 का लेवल टेस्ट करने के लिए भी चला जाए, तो ठीक है। तो लेट्स मैं मुझे चार्ट एडजस्ट करें दो फ्रेंड्स। तो अगर हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं कि कल मेरे हिसाब कल ना मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि अगर कल मार्केट सन अराउंड दिस लेवल पे ये 200 पॉइंट के रेंज में कहीं पे भी ओपन होता है, तो यहाँ पे ऊपर के साइड एक मार्केट का हर्डल है और नीचे 44,600 का एक मार्केट का सपोर्ट है, तो नो डाउट मार्केट यहाँ पे एक वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, वोलेटिलिटी में अपना ऐसे हिट हो सकता है। प्रीमियम में आज भी बहुत सारे स्क्वीज हो चुके हैं, कल नो डाउट हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट वन डायरेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। अगर कल मान लीजिए कि मार्केट में स्टार्टिंग के अवर में एक सेलिंग का प्रेशर आया तो नो डाउट 12 o'clock या फिर 1:30 से 2 बजे के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग का प्रेशर मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट्स कवर होते रहेंगे वो टाइम पे। अगर मान लीजिए कि कल एक मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम देखने के लिए मिलता है और मार्केट 45,300 के लेवल के आसपास आ जाता है, तो नो डाउट यहाँ पे आने के बाद सेकंड हाफ में लगभग समय अराउंड 1:30 से 2 बजे के बाद यहाँ पे थोड़ा सा सेलअप का प्रेशर आ सकता है, 45,100 के लेवल तक मार्केट आ सकता है। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए रहेंगे। मैं ये सारा एनालिसिस का चार्ट्स एंड वीडियो सारा एनालिसिस के चार्ट्स मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम सॉरी इंस्टाग्राम पे मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।